फ्रेंड्स नमस्कार, मैं रोहित कुमार बिंद्रा सभी का स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाला हूं और इंग्लिश ग्रामर में दोस्तों मैं आपको टेंस पढ़ा रहा था और दोस्तों यहां पर हेडिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पर हेडिंग है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाने वाले हैं और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वह दो तरह से बनता है। एक जब प्रश्नवाचक वाक्य वह जो क्या से शुरू होगा, रूल नंबर उसको पहला बोलेंगे, जो कि मैं पढ़ा दिया हूँ। पार्ट नंबर कौन सा दोस्तों, पार्ट नंबर 91 पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। इसका मैंने प्लेलिस्ट भी बनाया है, यदि आपके 12 टेंस नहीं आते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, प्रत्येक वीडियो देखें, आपके पूरा टेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यह वीडियो कौन सा होगा, पार्ट नंबर 92 होगा, ठीक ना। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अब रूल नंबर दूसरा जो होगा वह प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण मैंने लिखा है, तुम इतने दिनों से क्या सोच रहे होंगे, तो ये क्या है ना, व्हाट माने क्या होता है, ये प्रश्नवाचक शब्द है दोस्तों, ये क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है, ठीक है। तो ये सब बीच में आएगा तो उनको अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सब बीच में आएगा प्रश्नवाचक शब्द तो उनको अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करना है आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए लिखा गया है रूल नंबर दूसरा, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आए तो अनुवाद बनाने का नियम अर्थात स्ट्रक्चर अर्थात सूत्र कुछ इस प्रकार है। ध्यान से सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले आए हुए वाक्य में क्वेश्चन वर्ड को ढूंढेंगे तो उसका पहला नंबर होगा, दूसरा का नंबर विल या शैल का प्रयोग करेंगे। तो विल या शैल का प्रयोग आपके पता है दोस्तों, विल या शैल का प्रयोग जब कर्ता आई और वी होगा तो शैल का प्रयोग, बाकी अन्य कर्ताओं के लिए विल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कर्ता लिखेंगे, कर्ता लिख लिए तो इसके बाद विल लिखेंगे, फिर मुख क्रिया लिखेंगे, मुख क्रिया में आई एन जी जोड़ा जाएगा दोस्तों, फिर कर्म लिखेंगे, लास्ट में अन्य बातें, फिर सिंस या फार का प्रयोग करेंगे, वो भी वहाँ पर समय दिया रहेगा सिंस या फार का प्रयोग कब कब किया जाएगा तो वाक्य में दिया रहेगा, वहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। तो उदाहरण लेते हैं और आपके बताते हैं, उदाहरण नंबर पहला क्या कह रहा है, तुम इतने दिनों से क्या सोच रहे होंगे, तुम इतने दिनों से क्या सोच रहे होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इस वाक्य में हम प्रश्नवाचक शब्द ढूंढेंगे, तो प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पर छिपा है तो इसकी अंग्रेजी पहला नंबर सूत्र में क्या करा कि QW का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड, तो इसका अंग्रेजी लिखेंगे तो वाट हो जाएगा, WHAT वाट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। वाट के बाद सहायक क्रिया विल या शैल का प्रयोग करेंगे, तो विल या शैल का प्रयोग कर्ता के अनुसार करेंगे, तो कर्ता यहाँ पर क्या तुम है, तो यहाँ पर सहायक क्रिया का लिखेंगे दोस्तों विल लिखेंगे, अरे यहाँ पर सहायक क्रिया का होगा विल होगा, क्या होगा विल। इसके बाद नंबर किसका आता है दोस्तों, कर्ता का आता है, तो यू लिख लीजिए यू। इसके बाद हैव बीन लिखिएगा दोस्तों, हैव बीन। अब इसके बाद दोस्तों ध्यान से देखना है, हैव बीन हो गया, अब यहाँ से क्या करना है दोस्तों, अब मुख क्रिया लिखना है, तो मुख क्रिया इसमें क्या लिखा गया, सोचना, सोच रहे होंगे तो थिंक माने सोचना होता है, आई एन जी जोड़ेंगे थिंकिंग होगा, THINKING थिंकिंग थिंकिंग हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए ध्यान से, थिंक माने सोचना होगा, आई एन जी जोड़िएगा तो क्या होगा, यहाँ पे थिंकिंग होगा। अब दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि इतने दिनों से तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, फार का प्रयोग करेंगे, क्या प्रयोग करेंगे, फार का प्रयोग करेंगे, तो फार इतने दिनों से है ना, तो इसका अंग्रेजी जब लिखिएगा आप ना, तो फार सो मैनी डेज लिखेंगे, फार सो मैनी डेज DAYS मैनी डेज, ठीक है। देखिएगा फिर से आपके समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है तुम इतने दिनों से क्या सोच रहे होंगे, इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी, सबसे पहले आप यहाँ पर QW लिखेंगे, तो QW यहाँ पर बैठा है तो इसको सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, इसके बाद साइकिल विल या सेल का प्रयोग करेंगे, तो कर्ता के अनुसार तुम करता तो यहाँ पर विल का प्रयोग करेंगे, एक बाद नंबर कर्ता का है तो कर्ता यू है, इसमें तुम करता है, ठीक है, कौन सोच रहा था इतने दिनों से, तुम ना, तो तुम करता वह यू हो जाएगा। इसके बाद बिन लिखेंगे, इसके बाद मुख क्रिया है तो दोस्तों सोचना मुख क्रिया, इसमें तो थिंक माने सोचना, आई एन जी जोड़ा जाएगा तो थिंकिंग होगा। फिर इसके बाद दोस्तों इतने दिनों से, तो यहाँ पर फार का प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग ना करेंगे, फार का प्रयोग, फार सो मेनी डेज, ठीक है। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। उदाहरण नंबर आप दूसरा देखिए ध्यान से, उदाहरण नंबर दूसरा को कैसे अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उदाहरण नंबर दूसरा क्या है, वे एक सप्ताह तक कहाँ सोते रहेंगे, ठीक है, वे एक सप्ताह तक कहाँ सोते रहेंगे। तो सबसे पहले अपन इसमें प्रश्नवाचक शब्द ढूंढेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप प्रश्नवाचक शब्द ढूंढेंगे तो यहाँ पर कहाँ लिखा गया है, तो प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पर है, तो वेयर माने कहाँ होता है, तो इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे वेयर। इसके बाद नंबर किसका आता है दोस्तों, इसके बाद नंबर किसका आता है, सहायक क्रिया विल या शैल,
यहाँ पर देखा जाए तो कर्ता क्या है, वे है, तो वे के लिए सहायक क्रिया विल का प्रयोग करेंगे दोस्तों। वे के लिए सहायक क्रिया विल का प्रयोग है तो वेयर विल, इसके बाद कर्ता, तो कर्ता का लिखेंगे दोस्तों दे लिखेंगे दे, इसके बाद नंबर क्या है बिन का, तो हैव बिन, इसके बाद दोस्तों क्या है मुख क्रिया, तो सोना का अंग्रेजी का होता है मुख क्रिया, यहाँ पर सोना है तो सोना का अंग्रेजी का होगा स्लीपिंग होगा दोस्तों, क्या होगा स्लीपिंग, एस एल डबल ई पी आई जी स्लीपिंग होगा, स्लीप माने सोना, आई एन जोड़ेंगे तो स्लीपिंग हो जाएगा, स्लीपिंग हो गया दोस्तों। इसके बाद एक सप्ताह तक, तो एक सप्ताह तक हम हमेशा बताएं कि वहां पर फार का प्रयोग करेंगे, एक सप्ताह के लिए वहां पर किसका प्रयोग करेंगे फार का, तो फार ए बिक लिखेंगे, फार ए बी डब्लू डबल ई के फार ए बी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। आई होप की बात आपके समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से समझा देते हैं, ध्यान देखिएगा। उदाहरण दूसरा, अभी एक सप्ताह तक कहाँ सोते रहेंगे, तो सबसे पहले इसमें हम लोग प्रश्नवाचक शब्द ढूंढेंगे, तो यहाँ एक सप्ताह तक कहाँ सोते रहेंगे, इसकी अंग्रेजी बनेगी दोस्तों वेयर विल दे हैव बीन स्लीपिंग फॉर ए वीक। यहाँ तक समझ में आ गया, अब आते हैं उदाहरण नंबर कौन सा, उदाहरण नंबर तीसरा बताते हैं, यहाँ तक नोट कर लीजिए, ठीक है। हाँ तो दोस्तों उदाहरण नंबर आप तीसरा देखते हैं, उसको अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं ध्यान से देखिएगा। उदाहरण नंबर तीसरा क्या है, कह रहा कि माली इस बाग में पौधों को लगातार पानी क्यों क्यों नहीं देता रहेगा। यहाँ पर नहीं आ गया है तो आप यहाँ पर नहीं वाला अभी मिटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हटा दीजिए, ठीक। या माली इस बाग में पौधों को लगातार पानी क्यों देता रहेगा, तो सबसे पहले आप मानी वाई लिखेंगे क्यों का अंग्रेजी, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे वाई, प्रश्नवाचक शब्द लिख लिया, फिर सहायक क्रिया विल या सेल का, तो यह माली है तो यहाँ पर विल का प्रयोग करेंगे। इसके बाद करता क्या दोस्तों, यह माली है तो यह माली का जो अंग्रेजी होगा दिस गार्डनर होगा, क्या होगा दोस्तों दिस गार्डनर, दिस गार्डन जी ए आर डी एन आर गार्डनर, इसके बाद दोस्तों करता हो गया, फिर है बिन का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर है बिन लिखेंगे, है बिन, इसके बाद दोस्तों मुख क्रिया है, तो मुख क्रिया यहाँ पर क्या देना पानी देना, तो पानी देना का वाटरिंग होगा, क्या होगा दोस्तों वाटरिंग, डब्ल्यू ए टी आर आई एन जी वाटरिंग हो गया, वाटरिंग किसको दोस्तों पौधों को ना, तो पौधों को अंग्रेजी द प्लांट्स लिखेंगे, द प्लांट्स, द प्लांट्स पी एल ए एन टी एस, द प्लांट्स हो गया। अब दोस्तों इसके बाद ध्यान से देखिएगा, प्लांट्स इस बाग में, तो इन दिस गार्डन, इस बाग में इन दिस गार्डन जी ए आर डी एन, इन दिस गार्डन, ठीक है, इस बाग में का अंग्रेजी होगा इन दिस गार्डन, और दोस्तों लगातार, तो लगातार का अंग्रेजी होगा कंटिन्यूसली, सी ओ एन टी आई एन यू ओ यू एस एल वाई कंटिन्यूसली, लास्ट में क्वेश्चन मार्क सी, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपकी जरूर समझ में आएगा, एक बार फिर समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा, यह माली इस बाग में पौधों को लगता है पानी क्यों देता रहेगा, तो इसका अंग्रेजी बनेगा दोस्तों वाई विल दिस गार्डनर, ठीक ना, हैव बीन वाटरिंग वाटरिंग द प्लांट्स इन दिस गार्डन कंटिन्यूसली, मतलब लगातार, समझ में आ रही बात ना, यहाँ तक नोट कर लीजिएगा दोस्तों। उदाहरण नंबर अभी चार देखिए ध्यान से, उदाहरण नंबर चार क्या कह रहा है, उदाहरण नंबर चार, इसी सर्दी में यह छोटा लड़का दो घंटे तक क्यों बर्तन साफ करता रहेगा, क्यों बर्तन साफ करता रहेगा, तो सबसे पहले हम क्यों का अंग्रेजी लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्यों का अंग्रेजी सबसे पहले हमने लिखा, सहायक क्रिया लिखेंगे तो सहायक क्रिया भी हो गया, दिस लिटिल बॉय या छोटा लड़का करता है तो दिस लिटिल बॉय लिखेंगे, फिर हैव बीन का प्रयोग हमने किया, फिर मुख क्रिया क्या साफ करना तो आई एन जी जोड़ेंगे, तो क्लीन माने साफ करना होता है, आई एन जी जोड़ेंगे क्लीनिंग होगा, इसके बाद बर्तन साफ करना तो बर्तन तो मतलब पॉट्स होगा, पॉट्स हमारे बर्तन, इसके बाद दोस्तों फार लगाएंगे, यहाँ पर फार का प्रयोग करेंगे, फार टू आवर्स इन सच ए कोल्ड, ठीक है ना, सच ए कोल्ड, तो ये पूरा सर्दी में का अंग्रेजी में लिखे सच ए कोल्ड होता है, तो फार टू आवर्स इन सच ए कोल्ड लिखेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि उदाहरण नंबर चार भी आपके जरूर समझ में आ गया होगा। हाँ तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपके क्या बताया, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो रूल नंबर दूसरा है, आज मैंने उसी का सूत्र और कुछ उदाहरण आपके समझाया, उम्मीद करता हूँ कि आपके जरूर समझ में आया होगा। यदि यह वीडियो आपके अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत।